finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup. After 28 years, the parties start in the dressing room. And it's an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final. Guys, what is up? My name is Iknur Singh. I'm a third year undergraduate from IIT Bombay, soon stepping into my fourth year. And आज जस्ट अभी यार लेट नाइट शूट कर रहा हूँ मैं इसको. IPL का मैच खत्म हुआ, लास्ट ओवर में जीता है CSK लास्ट बॉल पे. इनफैक्ट जडेजा ने एकदम मचा दिया. बट कहीं ना कहीं मेरा ध्यान यार आई वॉज जस्ट लिसनिंग टू धोनी स्पीच एट दी एंड एंड ही वॉज टॉकिंग अबाउट किस तरीके से मतलब ही वुड वॉन्ट टू कम बैक अगले साल. तो मतलब उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस नहीं करी. ये अलग बात है यार, रिटायरमेंट वो लेने वाले हैं नहीं लेने वाले एंड वॉट्स गोइंग टू बी द केस, कब अनाउंस होगा, बट लेट्स नॉट गेट इन टू दैट. मुझे ये चीज रियलाइज हुई यार कि धोनी के लाइफ से एक इंसान काफी कुछ सीख सकता है. एंड कई बार मतलब हम उस चीज को ओवरलुक कर देते हैं. पीपल टॉक गुड थिंग्स अबाउट हिम, पीपल टॉक बैड थिंग्स अबाउट हिम, बट इररिस्पेक्टिव देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू गाइस एट जेई एस्पिरेंट्स शुड लर्न फ्रॉम हिम. एंड उसकी स्टोरी से कुछ कुछ चीजें तुम्हें डेफिनेटली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करनी चाहिए. तो सिट बैक, रिलैक्स, थोड़ा सा हम उसकी जर्नी से सीखते हैं यार कि किस तरीके से आप अपनी जेई की जर्नी को इंप्रूव कर सकते हैं. यू कैन वॉच दिस वीडियो एट 2x इफ यू वॉन्ट टू सेव टाइम, बट जरूर सारे पॉइंट्स तुम लोग कवर करना. एंड अगर धोनी फैन हो तो MSD एंड येलो हार्ट्स नीचे स्पैम कर सकते हो कमेंट बॉक्स में. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्ट. होपफुली आपने लाइक कर लिया होगा, सब्सक्राइब कर लिया होगा फॉर ऑल दी अपकमिंग कंटेंट. एंड लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 1. सबसे पहला पॉइंट, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग. वेल, ऑन द स्पॉट स्ट्रेटेजिकली कैसे आप प्लान करते हो चीजों को, कैसे इंप्लीमेंट करते हो, वो चीज कोई धोनी से सीखे. 2011 का वर्ल्ड कप जो कि ऑब्वियसली जहां पे धोनी बिकेम दी हीरो, ऑब्वियसली उससे पहले भी थे वो, लेकिन वहां पे मतलब दी डिसीजन टू प्रमोट हिमसेल्फ अप इन द बैटिंग ऑर्डर एंड कम ऑन फील्ड जब टीम को उनकी जरूरत थी, दैट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन इज वॉट यू शुड लर्न फ्रॉम धोनी. इवन इन IIT JEE मतलब हमें बहुत बार यार प्रॉपरली चीजें प्लान करनी पड़ती हैं. गोइंग टूवर्ड्स अ गोल विदाउट अ प्लान इज लाइक गोइंग इन अ रैंडम डायरेक्शन और तुम्हें पता है तुम्हारी मंजिल जबकि एक स्पेसिफिक जगह है. तो तुम एक सही डायरेक्शन में चलोगे तो तुम्हारे को एक डायरेक्ट रास्ता मिलेगा अपनी मंजिल तक जाने के लिए. एंड दैट रिक्वायर्स प्लानिंग. हाउ कैन यू परस्यू दिस पाथ, इस रास्ते पे हम कैसे चल सकते हैं, उसके लिए प्लानिंग लगती है यार, सोच लगती है. समथिंग विच आई ट्राई टू हेल्प यू विद ऑल द टाइम, दैट इज वॉट इज रिक्वायर्ड. समथिंग विच यू नो अबाउट योर सेल्फ एंड यू नो कि तुम कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना कर सकते हो, उस बेसिस पे टाइम टेबल्स बनाना, फोकस रखना और सही डायरेक्शन में प्लानिंग करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसमें से एक बहुत अच्छा एग्जांपल है यार कि कुछ लोग होते हैं यार जो मेहनत करने के लिए पूरा तैयार होते हैं. कोटा में आई हैव बीन टू कोटा ट्वाइस नाउ एंड आई हैव सीन स्टूडेंट्स हु हैव वर्क डे इन एंड डे आउट, बट कई बार दे लैक अ डायरेक्शन. उनको पता नहीं होता कि किस तरीके से मेहनत करनी होती है. वो या तो अपने टीचर्स की नहीं सुन रहे होते, अपने पेरेंट्स की, फ्रेंड्स की सुन रहे होते हैं जो अब उनकी तरफ से मतलब अपनी तरफ से पेरेंट्स और फ्रेंड्स उनको सही गाइड करना चाहते हैं. लेकिन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आपको उन लोगों की लेनी चाहिए. अ टीचर, टीचर इज समबडी हु हैज वास्ट एक्सपीरियंस. 10 साल से 15 साल से उनको एक्सपीरियंस है जेई के फील्ड में. और अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उसको मतलब अपने वो वाले गुरु की जो बातें होती हैं उसको प्राइम इंपॉर्टेंस देना एंड उस पर अमल करना, लाइक फॉलोइंग दैट एडवाइस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग लगती है इसमें एंड यू नीड टू मेक श्योर कि आप प्रॉपरली प्लान करते हो चीजें और एग्जीक्यूट करते हो उस प्लान को. सो पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज गेटिंग टू नो वट मटीरियल यू हैव टू यूज. मैंने जेई बुक्स के बारे में वीडियो कई बार बनाई है एंड वो तो एक अच्छा मटीरियल है ही, बट मेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग मटीरियल अभी रिसेंटली आई केम अक्रॉस एंड इट इज RMT फ्लैश कार्ड्स फ्रॉम ओसवाल. तो यार RMT स्टैंड्स फॉर रिवाइज, मेमोराइज एंड टेस्ट. आप यहां पे देख सकते हो यार RMT फ्लैश कार्ड, ये फिजिक्स के हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 और पूरा सिलेबस बेसिकली इन फ्लैश कार्ड्स पे है. दीज आर कलर कोडेड, तो आप मतलब बेसिकली कार्ड उठा के यू कैन रिवाइज थिंग्स विद द टेंज ऑफ एंजॉयमेंट. मजे से एकदम मतलब गेमिफाई कर दिया इसको, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी चैलेंज कर सकते हो. पूरा सिलेबस आपके पास बेसिकली इतने कूल प्रिंटेड फॉर्म में है, सो नो मोर मेकिंग नोट्स एक्चुअली. एंड आपके रिविजन नोट्स का भी ये एक बहुत अच्छा सब्सटीट्यूट है. हमने रिसेंटली अभी इस पर एक वीडियो बनाई थी यार. ये स्ट्रिक्टली एज पर जेई मेन सिलेबस है एंड चैप्टर वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज आपको ये मिलते हैं. इट इज लाइक अ लर्निंग गेम, आपको बर्डन नहीं है पढ़ाई का इससे एंड आप मजे से मतलब मस्ती से थोड़ा कर सकते हैं. तो मेरे को बहुत यूनिक और इंटरेस्टिंग लगता है बिकॉज गेमिफिकेशन ऑफ स्टडीज इज लाइक द फ्यूचर ऑफ स्टडीज.
सो आपको सारे फॉर्मूले लिखे हुए मिलते हैं इसमें. एंड एज यू कैन सी यार यहाँ पे QR कोड्स भी हैं. ये QR कोड्स आपको पूरा रिविजिट करवा सकते हैं कॉन्सेप्ट को. तो अगर यू पिक अप अ कार्ड और आपको वो सिलेबस में नहीं, आपको याद नहीं आ रहा है, तो जस्ट स्कैन दैट QR कोड एंड यू कैन चेक दैट कॉन्सेप्ट आउट. एंड जेई मेन्स के पर्सपेक्टिव से ये एक बहुत तगड़ी चीज है, बिकॉज जेई मेन्स में बहुत बार चीजें रिपीट होती है. सो दैट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर यू. आपको ये चीज जरूर चेकआउट करनी चाहिए. लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एज वेल. Point two, focus and perseverance. Yeah, focus and perseverance is something which Dhoni teaches you. And somebody who came from a small town, Ranchi, और जो 2011 के World Cup final में इतने high pressure environment में भी उन्होंने he finished off in style. I think that speaks loads about him. उनका focus हमेशा game पे रहता है. हजारों का crowd होता है यार उनके आसपास and everyone's shouting, everyone's expecting so much from you. And उतने high pressure environment में भी अगर आप इसमें से निकल के आओ, सामने आओ, दैट शोज कि आप कितने फोकस्ड हो. एंड परसिवियरेंस तो है यार, लाइफ में जो कठिनाइयां आई, जो डिफिकल्टीज आई, धोनी ने एक के बाद एक क्लियर करी. आई एम श्योर आपने एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी देखी है, एंड दैट शोज हिज परसिवियरेंस यार. इवन वर्किंग इन द रेलवेज एंड कैसे वो अप एंड डाउन करते थे स्कूल में, आई थिंक दैट इज वॉट धोनी टीचेज यू. एंड आपको IIT JEE में ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फोकस यार लाइफ में किसी भी चीज के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू डोंट नो मतलब आपको किस डायरेक्शन में जाना है, तो आप फोकस तो बिल्ड ही नहीं सकते. आप में से मोस्ट लोगों को आपके डेस्टिनेशंस पता है, या एटलीस्ट एक आइडियल डेस्टिनेशन आपने अभी सेट कर रखा है. लेट्स से देयर IITs. तो IIT को फोकस अगर आपको अपना बनाना है, यू नीड टू गिव अप ऑन अदर थिंग्स. आपको दिक्कतें आएंगी, बट दैट्स वेयर परसिवियरेंस कम्स इन. आपको उन दिक्कतों को ओवरकम करना, एंड दैट इज व्हाट विल मेक यू टफ, इतना सॉलिड कि मेरे पे हाई प्रेशर भी होगा ना IIT JEE एडवांस के लास्ट डे पे भी, फिर भी मैं IIT JEE फोड़ सकता हूँ, बिकॉज मेरा फोकस पूरी अपनी 2 साल की जर्नी में, JEE की जर्नी में 100% रहा है. धोनी जैसा फोकस रहा है मेरे पास. पॉइंट नंबर 3, और ये धोनी की बात हो रही है, उनकी बात होते ही यार कैप्टन कूल का टैग जरूर आ जाता है. तो रिमेनिंग काम इन स्ट्रेस. IIT JEE एक मैच से कम नहीं है, एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट से कम नहीं है. कई बार आप फेल होंगे, कई बार धोनी अपने मैचेस हार जाते हैं, कई बार IPL में परफॉर्म नहीं कर रहे होते, कई बार अभी जैसे वो मैच अगर हार जाते थे IPL में, सो उनके ऊपर प्रेशर आता था. कई बार लोग एक्सपेक्ट करते थे उनसे यार क्या आप रिटायरमेंट ले लोगे. इतने सारे उनके करियर में ऐसे मौके आए हैं जब लोग बोलते थे कि भाई अब धोनी नहीं खेल सकता, अब धोनी को रिटायरमेंट लेनी चाहिए. बट धोनी लेड CSK2 विक्ट्री अभी IPL में, लाइक जस्ट अभी जो मैच खत्म हुआ. तो दैट जस्ट टेल्स यू कि हाउ कूल ही इज, हाउ काम ही इज, क्योंकि उन्हें पता है कि ये छोटे छोटे स्टेपिंग स्टोन्स हैं, ठीक है. एंड यू कैन नॉट कॉन्कर एवरीथिंग. आप कुछ टेस्ट में फेल हो गए यार, आप कुछ टेस्ट में अच्छा नहीं करोगे, बट यू कैन बाउंस बैक. तो उनके दिमाग में वो वाला एटीट्यूड है यार, एंड दैट एटीट्यूड गेट्स यू थ्रू लाइफ विद अ लॉट ऑफ ईज, ठीक है. स्ट्रेस लेके क्या होता है यार, अगर आप किसी चीज के बारे में स्ट्रेस लेते हो, नॉर्मल है, नॉर्मल चीज है, इट जस्ट शोज दैट यूर अ सीरियस एस्पिरेंट. लेकिन स्ट्रेस लेके उसका आउटपुट तो बढ़िया नहीं होता ना. स्ट्रेस लेके आप सिर्फ अपने आप को शायद पुल बैक कर रहे हो, नर्वस कर रहे हो, एंड आप अपने 100% पोटेंशियल पे परफॉर्म नहीं कर पाते हो. सो आई थिंक रिमेनिंग काम एंड रिमेनिंग लाइक कैप्टन कूल इज समथिंग जो धोनी हमें सिखा के गए हैं. एंड गए नहीं है कहीं भी, मतलब अभी भी यहीं पे ही है. होपफुली प्लीज वो रिटायरमेंट अनाउंस ना करें, बट यू शुड लर्न फ्रॉम धोनी कि रिमेन काम वट एवर बी द सिचुएशन. एंड पॉइंट नंबर 2, फोकस, परसिवियरेंस, उसको तो हमेशा मेंटेन ही रखो. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. पॉइंट नंबर 4, टीम वर्क. वेल, धोनी से बेटर आपको टीम वर्क का एग्जांपल कोई नहीं दे सकता. भले वो IPL का मैच हो, इंडिया का मैच हो, कैसा भी मैच हो, वी नो दैट धोनी इज अ टीम प्लेयर. एंड IIT JEE में भी यार बीइंग अ टीम प्लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज नॉट अ सोलो गेम. अगर आप सोचते हो कि आप अकेले बैठ के अपने रूम में शांति से खुद पढ़ के सारी नॉलेज गेन कर लोगे और आप बहुत फोड़ोगे, इट इज नॉट पॉसिबल. आपको यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर पीयर्स, यू हैव टू एट टाइम्स टीच पीयर्स विच विल हेल्प यू नो कि क्या आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है या नहीं है. सो ये जो कलेक्टिव शेयर्ड नॉलेज होती है, सपोर्टिंग ईच अदर वाली चीज होती है, दैट हेल्प्स यू लेवरेज कलेक्टिव स्ट्रेंथ्स. तो किसी का कुछ स्ट्रांग होगा, आपका कुछ और स्ट्रांग होगा, लेकिन ये वाला जो टीम वर्क वाला मेथड होता है ना, इससे आप सब बेनिफिट साथ में कर सकते हो. तो ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, डू नॉट वेस्ट योर टाइम. ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि यार आप किसी ऐसे बंदे के साथ इस वजह से पेयर अप कर लो जो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, जो एक शेयर्ड विजन नहीं शेयर करता, इतना कमिटेड नहीं है. बट यू डू हैव पीपल हु आर
committed enough and जो आपके साथ एक vision share कर रहे हैं. हो सकता है you might end up like वो जो हम कई बार ads में देखते हैं ना कि All India rank 1, All India rank 2 दोस्त ही थे और वो साथ ही पढ़ते थे, ऐसे वाला situation हो सकता है. So आपका competition आपके immediate side वाले peers से नहीं है यार, मतलब वो भी हो सकता है आपका एक similar rank ले आए. This is a big big competition. And use your friends. And use your friends से मेरा मतलब है use their strengths, help them so that they help you back and all of you progress together. Point number 5, embracing failures and learning from mistakes. यार दुनिया का कोई इंसान जो अपनी गलतियों से नहीं सीख सकता वो कभी भी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर सकता. इफ यू आर डूइंग समथिंग एंड यू आर नॉट चेंजिंग द वे यू आर डूइंग इट तो उसका आउटपुट हमेशा वैसा ही रहने वाला है. तो आपको सीखना है यार कि किसी चीज का आउटपुट वैसा क्यों है, अगर वो एक गलती है तो वो गलती क्यों है, लाइक वेयर डिड यू गो रॉन्ग, परहैप्स यू आर स्कोरिंग लो इन योर मॉक टेस्ट. Why does that happen? So 2007 World Cup, that was a time when India did not perform very well and 2007 World Cup ने काफी सारी गलतियां highlight करी टीम इंडिया की. And धोनी ने उस चीज को उन्होंने काफी उससे लिया, मतलब positively लिया. They analyzed their mistakes and they worked on that. And उसके बाद जो success आया India team को after 2007 World Cup, how they learned from their mistakes and applied it to get those success. आई थिंक वो बिहाइंड द सीन्स की स्टोरी दिखती नहीं है लेकिन उनका जो सक्सेस है वो बहुत चीजें बता देता है. सो डू नॉट वरी यार, मतलब वो 2007 का वर्ल्ड कप हारे तो 11 का आके भाई फर्स्ट एकदम बढ़िया तरीके से जीते एंड दैट्स एच्ड इन आवर मेमोरी फॉर एवर. सो यू कैन ऑलवेज मेक कमबैक्स, बट वो कमबैक लाने के लिए तुम्हें सीखना पड़ेगा यार, वेयर डिड आई गो रॉन्ग, क्या मैं ऑनेस्ट नहीं हूं अपनी प्रेपरेशन में, क्या मैं इनफ हार्डवर्क पुट इन नहीं कर रहा हूं. यू नीड टू गेट टू नो ऑल ऑफ दोज थिंग्स. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. दीज आर 5 थिंग्स दैट यू कैन लर्न फ्रॉम सर MS धोनी. एंड आर यू एन MS धोनी फैन? लेट मी नो इन द कमेंट्स हाउ डू यू लाइक दिस वीडियो. वी विल बैक विद मोर सच कंटेंट. ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप प्रिपेयरिंग. मचाते रहो.